Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and होने वाली सिंगर Prachi. Guys, my channel पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग. तो गाइज मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या समझते हो. मैम अगर हम लोग कुछ समझते तो आपकी वीडियो देखने थोड़ी ना आते. हाँ बट फिर भी इसे गाइस एट जनरल आपको पता होगा ना ट्रांसफर प्राइस क्या होता है. चलो ट्रांसफर मतलब ही बता दो. नहीं पता, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ. देखो ट्रांसफर करना का मतलब होता है गाइस कोई भी अपनी चीज़ को किसी और को देना. इतना तो पता है जनरली इंग्लिश में, इतना तो पता है आपको कि ट्रांसफर मतलब कोई भी चीज़ को अपन किसी को दे देते हैं तो उसको अपन ट्रांसफर कहते हैं. ठीक है, अब ट्रांसफर प्राइस मतलब मैम इसमें कुछ प्राइस इन्वॉल्व होगा, कितने रुपए में देना है. वेरी गुड, ये सही पकड़े हुए एकदम. ठीक है, तो कोई सामान को हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो किस प्राइस पे करना है उसी को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं. मैम इनकम टैक्स में इसका क्या काम है, क्यों पढ़ रहे है? सही सवाल है यार, क्यों पढ़ रहे है? ऐसा क्या होता है कि ना हम लोग पूरी दुनिया में लोग टैक्स बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं. तो उन लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के जान पहचान के लोगों को अपना सामान लेना देना करते रहते हैं और अपने मनमाने प्राइस पे करते हैं. कोई सामान 100 रुपये का है तो 10 रुपये दिखा देते हैं, 10 रुपये का है तो 100 रुपये दिखा देते हैं. अपना टैक्स जहाँ बचे उतना प्राइस रख दो, बस हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमको टैक्स बचाना है. उसके लिए 100 रुपये के सामान को तुम 2 रुपये का रख दो, कोई मतलब नहीं है उनको, उनको सिर्फ टैक्स बचाना है. तो गाइस ऐसे हम लोग थोड़ी ना लॉस झेल सकते हैं. मतलब जो वो लोग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको सुहाएगा क्या कि उनका ऐसे सामने सामने मतलब ये वहाँ बैठा है और देख रहे हैं और वहाँ पे 2 लोग अपना ट्रांसफ़र कर रहे इधर से उधर सामान और फिर उसका प्राइस कुछ भी लगा रहे हैं और यहाँ हम बैठे बैठे देखते रहे. तो गाइस ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे देखते रहेंगे और तुम अपना कोई भी प्राइस में ट्रांजेक्शन करते रहो ताकि टैक्स बच जाए. तो गाइस इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए वाई ट्रांसफर प्राइसिंग. ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें. तो गाइस एक छोटा सा डेफिनेशन है आपको वो बताती हूँ मैं. ठीक है, देखो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है. एक्चुअल प्राइस होता है इस वो एक्चुअल प्राइस होता है गुड्स और सर्विस का. ठीक है, गुड्स और सर्विस का वो एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस होता है जिसमें एसोसिएट इंटरप्राइज ट्रांजेक्शन करती है. मैम ये एसोसिएट कौन है, एसोसिएट क्या होता है. तो गाइस एसोसिएट इंटरप्राइज क्या होता है, तो एसोसिएट इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होते हैं जो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के जान पहचान के होते हैं. जैसे आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ. आपके दोस्त आपके एसोसिएट इंटरप्राइज है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके एसोसिएट इंटरप्राइज है. ठीक है, वैसे ही जब बिजनेस करते हैं तो एसोसिएट इंटरप्राइज का कैसे गाइस आपको ना प्रॉपर डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते नहीं तो आपका दिल और दिमाग वहीं भटकते रहेगा. देखो गाइस इतनी बड़ी डेफिनेशन है एसोसिएट इंटरप्राइज की जो आपको लर्न करना है. ठीक है, तो चलो गाइस सबसे पहले अपन एसोसिएट इंटरप्राइज का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो गाइस देख सकते हो आपकी ये डेफिनेशन इतना लंबा है जो आपको ऑलमोस्ट याद करना पड़ेगा. बट गाइस टेंशन की बात नहीं है बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, हम लोग मिलकर याद कर लेंगे. क्या रखा यार छोटा सा डेफिनेशन तो है, ऐसे तो हम बचपन से करते आ रहे इतने सारे डेफिनेशन याद, ये भी कर लेंगे कोई बात नहीं. गाइस लॉजिक अगर किसी चीज़ में रहता है ना तो याद करना आसान हो जाता है एकदम. तो मैं आपको समझा दूंगी, वो सब छोड़ो अपन एसोसिएट में ध्यान देते हैं. देखो एसोसिएट इंटरप्राइज की आप हो, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है. ठीक है, अब आप सोचो कि आप लोग ना आप लोग कहीं दुकान में गए हो. ठीक है, आप लोग कोई शॉपिंग मॉल गए हो. ठीक है, मान लीजिए एक बार के लिए तो वहाँ पर ना ऑफर चल रहा है बाय वन गेट वन फ्री, नहीं बाय टू गेट वन फ्री चल रहा है. ठीक है, 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, बाय टू एंड गेट वन फ्री. ठीक है, ये ऑफर चल रहा है वहाँ पर. अब आपको सिर्फ 2 टी शर्ट की ज़रूरत है. ठीक है, आपको 3 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 ही चाहिए. आपके फ्रेंड को आप बोलोगे सुन यार ऐसा करना कि देख यहाँ पर ऑफर चल रहा है बाय टू गेट वन फ्री, तो ऐसा करता हूँ मैं खरीद लेता हूँ, फिर जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाई 3 कर लेंगे और अपन पैसे बांट लेंगे. मतलब 600 की अगर टी शर्ट आती है तो 200 तू दे देना, 2 टी शर्ट मैं रख लूँगा, 1 टी शर्ट तू रख लेना. तो ये क्या हुआ, एसोसिएट इंटरप्राइज हो गया. आपने ऑफर का धज्जा उड़ाया ना, वो ऑफर किसके लिए बना था, वो ऑफर एक इंडिविजुअल के लिए बना था जो 2-3 टी शर्ट खुद पहनने वाला है और पैसे खुद पेमेंट करने वाला है. बट आप लोग ने क्या किया बदमाशी, उसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने दोस्त को साथ में लेके गए
और फिर ऑफर की धज्जा उड़ा के अपना बेनिफिट ले लिए। ठीक है, प्रोविजंस को मोल्ड किया गया, उसके मतलब का अलग अलग मतलब निकाला गया। ऐसा तो नहीं था ना, वो लोग ये नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि उनकी 3 टी शर्ट सेल हो, वो भी सिंगल पर्सन को, और उसके फ्रेंड को ज़रूरत है तो वो आके 3 टी शर्ट और ख़रीदे, तो वैसे में उनकी 6 टी शर्ट सेल हो जाती। बट तुम्हारी इस मोल्ड करने की वजह से, तुम्हारी प्रोविजन को ट्विस्ट करने की वजह से अब 3 टी शर्ट सिर्फ 3 ही सेल हुई उनकी, हुई ना उनको लॉस। तो वैसे ही गाइस, एसोसिएट इंटरप्राइज वो बदमाश लोग होते हैं जो प्रोविजंस को ऐसा मोल्ड करते हैं कि रेवेन्यू लॉस होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है गाइस, तो ये एसोसिएट इंटरप्राइज वही जान पहचान के लोगों के बीच की ट्रांजैक्शंस रहती है जो लोग प्रोविजन को ऐसे अपनी तरह अपने तरीके से देखते हैं और गवर्नमेंट के टैक्स को लॉस पहुँचाते हैं। ठीक है गाइस, तो इन लोग ऐसा प्राइस में डीलिंग करते हैं जिसमें इनको फ़ायदा होता है, इनको टैक्स इनका सेव होता है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं और ऐसे प्राइस पे करते हैं। तो इसीलिए एसोसिएट इंटरप्राइज और ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आया। ट्रांसफर प्राइसिंग में फिर अपन ऐसा रख देंगे अब कि करो तुमको जो करना है, हम ये वाला मानेंगे, मतलब आपको 100 रुपये की चीज़ को अगर 2 रुपये में सेल करना आप करो भाई, बिल्कुल मना नहीं करेंगे आपको, करो करो, बट हम नहीं मानेंगे, हम 100 रुपये ही मानेंगे, आप करो 2 रुपये में, आप डिडक्शन लो 2 रुपये का, हम मानेंगे 100 रुपये की सेल हुई है, कर लो क्या करोगे। ठीक है गाइस, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बाद में लाए गए जब देखा गया कि ऐसे लोग बदमाशी करते हैं। तो आई होप गाइस आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि एसोसिएट इंटरप्राइज कौन बदमाश लोग होते हैं, आपके जैसे बदमाश लोग जो जाके 3 टी शर्ट की जगह 2 टी शर्ट ले लेते हैं और अपने बेनिफिट करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो अब अपन डेफिनेशन लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो तो एसोसिएट इंटरप्राइज का अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो, ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। अगर इन दोनों के बीच में से शेयर होल्डिंग किसी भी एक इंसान की 26% या उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि इन लोग जान पहचान है। देखो गाइस, आप एसोसिएट इंटरप्राइज से ना अपन को फेमिलियर होना है, हमको इससे दोस्ती करना है, इसकी डेफिनेशन याद करना है, तो अब अपन इसमें थोड़े हिंदी वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं अब इसमें यूज़ करने वाली हूँ हमारा जान पहचान। तो जब भी मैं ये बोलूँगी आप मान लेना कि मैं एसोसिएट इंटरप्राइज की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो, अब एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे को 26% जानता है ना, तो अब मान लेंगे कि ये लोग जान पहचान के बंदे हैं, ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, इनका कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। ठीक है, शेयर्स वाला, आपका वाला नहीं। ठीक है, अब कॉमन शेयर्स 26% हो गया। अब देखो गाइस, कॉमन शेयर 26% कैसे होता है, करेंगे हम बदमाशी। देखो, एक्स लिमिटेड जो थी, ठीक है, ये यहाँ पर 26 होल्ड कर रही है और ये यहाँ पर भी 26 होल्ड कर रही है, ठीक है, या उससे ज़्यादा। मैं समझ लो कि एक्स लिमिटेड पे मतलब मैं एक्स लिमिटेड हूँ, मैं वाई लिमिटेड में 26% या उससे ज़्यादा होल्ड कर रही हूँ और मैं जेड लिमिटेड में भी 26 या उससे ज़्यादा होल्ड कर रही हूँ, तो मान लिया जाएगा कि वाई और जेड भी एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि देखो गाइस, कॉमन सेंस लगाओ, ये मॉम है आपकी, ये आपका भाई है और ये आपको, तो अगर आपकी मॉम यहाँ पर इतना टाइम इन्वेस्ट करती है और यहाँ पर भी अपना प्यार लव टाइम सब कुछ इन्वेस्ट कर रही है, तो गाइस आप दोनों भी तो जान पहचान के हो जाओगे ना, जब आप इनको जानते हो, आप इन ये आपको जानती है और 26 या उससे ज़्यादा ज़्यादा ही जानते हो, ऐसे एकदम कम कम नहीं, तो आप दोनों भी तो जान पहचान के हो जाओगे ना। तो समझ गए कॉन्सेप्ट, ऐसे मान लो आप ये कि ये भाई है आपका, ये आप हो और ये आपकी मॉम है, तो फिर अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप और आपके भाई एक दूसरे को कैसे जानते हो। ठीक है, कैसे जानते हो, मॉम के थ्रू जानते हो। अब आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर गाइस आप किसी भी इंटरप्राइज के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी फर्म के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो इच मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी, वो कंपनी ही मेरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी, अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग उसके ऊपर अगर 100% डिपेंडेंट हो तो आप लोग एसोसिएट इंटरप्राइज हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि कुछ कुछ कंपनीज जो रहती है, जैसे मारुति का एग्जांपल ले लेते हैं, अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं, बिस्किट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं ना कि उन लोग मतलब वो ब्रांड है तो मतलब वही सामान बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ब्रांड नाम अपना होता है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और को दे दे, अपन आउटसोर्स कर दे मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो होता है ऐसा। ठीक है, देन अगर आपका रॉ मटेरियल सप्लाई कोई एक इंसान कर रहा है 90% या उससे ज़्यादा, तो फिर आप जान पहचान की कंपनी बन जाओगे। ठीक है, कितने परसेंट, मैन्युफैक्चरिंग 100% है, रॉ मटेरियल 90% है, मैन्युफैक्चरिंग 100% है, रॉ मटेरियल 90% है।
आप ऐसे सोच, याद करने के लिए बस बता रही हूँ, ठीक है, याद करने के लिए सोचो कि आप रॉ मटेरियल 90% डालोगे ना तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग 100% की होगी। ऐसे उल्टा होता है बट याद करने के लिए मान लो बस, ठीक है। क्या माने मैम 90%? अगर कोई एक एक सप्लायर मेरे को 90% रॉ मटेरियल देगा तो फिर हम लोग एसोसिएट प्राइस हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब बायर डिसाइड करता है प्राइस कि क्या होना चाहिए, सोचो गाइस, बायर इतनी हिम्मत हो गई बायर के पास कि वो प्राइस डिसाइड करेगा, मतलब सेल मेरे को करना है, प्रॉफिट मेरे को कमाना है, और बायर डिसाइड करेगा, ले जा तू तू डिसाइड कर ले कितने में लेगा, चल बता। तो ऐसे सिर्फ अपने हक वालों को कह सकते, किसी और को नहीं कह सकते, आप अपने जान पहचान के लोगों को ही कह सकते हो कि चल तू कितने में लगा ले ले यार, अपना ही तो है तू करके ऐसा। आप किसी और को ऐसे रोड पे चलते हुए बोल देगा क्या, क्या ये मेरी बाइक है कितने में लेना चाहे तू ले ले करके, तो बोलेगा फ्री में ही दे दे फिर, ठीक है। तो देखो जब बायर डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होना चाहिए तो उस केस में अपन कहते कि इन लोग पक्का जान पहचान के, तभी इतना हक है इनके पास, ठीक है। अब होल्डर 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। मैं एक बार फुल फॉर्म बता देती हूँ क्या लिखी हूँ मैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फर्म। तो अगर आप इन चारों में से, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, तो देखो अगर आप ये चारों में से किसी भी जगह पे 10% भी होल्ड कर लेते हो ना गाइस, तो आप उसकी जान पहचान के बन जाते हो, ठीक है। क्योंकि लोग होते ही कुछ छोटू छोटू से, अब इनके ही आप 10% बन जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा इनके जान पहचान के हो, ऐसा मान लिया जाएगा। अब कॉमन कंट्रोल बाय इंडिविजुअल एंड रिलेटिव, मतलब किसी इंसान को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मैं और कोई और, और कोई और, हम सब रिलेटिव मिलकर अगर इसको कॉमनली कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा एसोसिएट इंटरप्राइज है, तभी हम सब मिलकर इसको कॉमनली होल्ड कर पा रहे हैं और कंट्रोल भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप की आपके बिजनेस से कहीं पे भी आपने कम से कम 50% का बुक वैल्यू का असेट एडवांस लोन में लिया हुआ है तो उस केस में आपको मान लिया जाएगा कि आप एसोसिएट इंटरप्राइज हो। फिर से बताओ, देखो ये ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड कंपनी है, इनको लोन चाहिए था तो ये बोली ICICI बैंक को कि मुझे लोन दे दो, ठीक है। तो जो बैंक बोला कि ठीक है मैं तुमको ना आपके पास एसेट कितना है बताओ, उसके बदले में ही आपको लोन दूंगा करके, तो बोला कि ना मेरे पास ना 10 करोड़ का असेट है करके। तो बैंक बोला कि चलो ठीक है आपके पास 10 करोड़ का असेट है ना, तो मैं आपको 6 करोड़ तक का लोन दे सकता हूँ। तो गाइस अगर आप 6 करोड़ का लोन देने के लिए रेडी हो रहे हो जब उसके पास असेट 10 करोड़ का है, मतलब 60% में आप मान जा रहे हो ना, तो अगर 50% में भी आप मान जाते, अगर ये 5 करोड़ भी दे देता तो उस केस में हम लोग मान लेते कि ICICI बैंक और ABC लिमिटेड जो है वो लोग एसोसिएट इंटरप्राइज है। मतलब समझ गए ना कैसे बोल रही हूँ, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स का अगर आप 50% के ज़्यादा या 50% तक का भी लोन दे रहे हो उस भरोसे पे, तो अपन एसोसिएट इंटरप्राइज को इतना भरोसा कर सकते हैं गाइस, किसी के ऊपर नहीं कर सकते, समझो ना बात को। अगर आप किसी को 10 रुपये दोगे और उसको बोलोगे कि चल ठीक है तुम मेरे आज 5 रुपये की चीज़ दे दे और एक हफ्ते बाद 5 रुपये की चीज़ देना, ऐसी डील नहीं होती इंसानों के साथ, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे उसके ऊपर कि वो 5 रुपये देने के लिए आपको दूसरे दिन दिखेगा भी, देना बहुत दूर की बात है, दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ICICI बैंक इतना ज़्यादा कैसे ट्रस्ट करिए ABC लिमिटेड में कि वो सीधा सीधा 6 करोड़ का मतलब उसको लोन दे दे रही है ना। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो एसोसिएट इंटरप्राइज, मतलब इतना ज़्यादा कुछ तो रिश्ता है तभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब गारंटी जो लेस देन नहीं होना चाहिए टोटल बोरिंग्स ऑफ 10%, अगर कोई भी गारंटी दे रहा है और वो आपकी कम से कम 10% है बोरिंग्स की, मतलब आपने जितना भी बोरो किया है उसका 10% है, तो मान लिया जाएगा कि एसोसिएट इंटरप्राइज है। क्यों गारंटी ले रहे हैं, क्या जरूरत है उसको गारंटी लेने की, पक्का आपका कुछ रिलेटिव होगा, कुछ ना कुछ आप दोनों को फायदा हो रहा होगा म्यूचुअली जो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग मान लेंगे कि ये लोग एसोसिएट इंटरप्राइज है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से आधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उन लोग किसी और के हो, मतलब समझ लो आपकी कंपनी है वहाँ पर 8 डायरेक्टर है, ठीक है, तो 5 को मैं अपॉइंट करूँगी बोलती हूँ और बाकी जो रिमेनिंग है उसको आप कर लेना। तो गाइस मेरे को कौन हक दिया इतना ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का, मैं कौन होती हूँ आपकी, पक्का एसोसिएट इंटरप्राइज होगी तभी इतना हक है मेरे पास, नहीं तो किसी को हक नहीं देते इतना,
ठीक है, तो आपके हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं अपॉइंट अगर कर देती हूँ आपकी कंपनी में, उस केस में आप और मैं एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाएंगे। देखो एग्जाम्पल में, ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। अब वाई लिमिटेड में है 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ, मैंने अपॉइंट कर दिया, एक्स लिमिटेड ने अपॉइंट कर दिया, तो ये कितना है, मोर देन 50% है, 7 का 50% 3.5 होता है, ठीक है। तो गाइस अगर आपके बोर्ड में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई दूसरी कंपनी अपॉइंट कर रही है, तो उस केस में हम मान लेते हैं कि ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है। कैसे, देखो एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है, ठीक है, इनके बीच में वाई लिमिटेड में 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो इसका 50% कितना होगा, 3.5। तो अगर 3.5 से ज़्यादा मतलब 4 अगर एक्स अपॉइंट कर रही है, तो उस केस में एक्स और वाई एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। गाइस कॉमन सेंस की बात है एकदम ज़्यादा वाली, सोचो ना, सोचो थोड़ा सा, सोच के बताओ मुझे कि इसमें इसका क्या हक है, क्यों कर रही है अपॉइंट, कुछ तो दाल काली होगी तभी तो कर रही, नहीं तो कोई किसी को क्यों अपॉइंट करने देगा, ठीक है। तो ये लोग एसोसिएट इंटरप्राइज से करके इतना हक जताते रहते हैं, समझे। अब कॉमन अपॉइंटमेंट बाय द एंटरप्राइज, कॉमन अपॉइंट कर रहे हैं, कैसे, देखो एग्जांपल से समझो एक बार, ठीक है। देखो ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है और ये जेड लिमिटेड है। अब एक्स लिमिटेड ने यहाँ पर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, ठीक है, 4 को अपॉइंट किया, और इसने उन्हीं 4 को यहाँ पर भी अपॉइंट कर दिया, मतलब एक्स लिमिटेड में भी वही 4 डायरेक्टर को इसने अपॉइंट किया है और वाई लिमिटेड में वही 4 को यहाँ पर अपॉइंट किया है, ठीक है। तो कॉमन अपॉइंटमेंट हो गया, यहाँ पर भी वही लोग हैं, यहाँ पर भी वही लोग हैं, तो कॉमन सी बात है ना कि गाइस अगर ये एक्स लिमिटेड इनके ऊपर इतना हक जता रही है और वाई लिमिटेड के ऊपर भी इतना हक जता रही है, मतलब ये आपका भाई बहन वाला रिश्ता होगा फिर से, तो अभी लोग एसोसिएट इंटरप्राइज हो जाएंगे। होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपन एसोसिएट इंटरप्राइज देखते हैं, आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बहुत हाई चांस आने का एमसीक्यूज वगैरह में, तो परसेंटेज वगैरह अच्छे से याद करके जाना, बिल्कुल भूलना नहीं, अपन एक बार और ट्राई करते चलो याद करने का, 11 पॉइंट था, एक साथ मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले गाइस अपन को शेयर्स रहना है 26% तक, ठीक है, कॉमन शेयर्स कितना रहेगा 26% तक, 2 पॉइंट हो गया, रॉ मटेरियल 90% तक, मैन्युफैक्चरिंग 100% तक, मोर देन 50% है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, जब बायर सेलेक्ट करता है प्राइस को हमेशा, तो वो लोग एसोसिएट इंटरप्राइज होते हैं, जब अपना एओपी बीओआई वगैरह में 10% जितना शेयर्स रहता है, अपन सब मिलके कॉमनली कंट्रोल कर रहे किसी इंसान को, तो फिर जब हम लोग का लोन एडवांस जो रहता है वो कम से कम 50% रहता है अपनी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स का, ठीक है। अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा 10% की गारंटी दे रहे हैं अपने बोरोइंग्स पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया था। अगर अपन कॉमन अपॉइंट कर रहे, कॉमन डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे दो जगह पे, तो वो जो दो जगह पे अपॉइंटमेंट है वो दोनों एसोसिएट इंटरप्राइज भी बन जाएगी। हम तो है ही, हम हैं, बट वो दोनों भी हो जाएगी, ठीक है। आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। ट्रांसफर प्राइसिंग में हम फिर से जंप कर देते हैं। अब देखो आप ट्रांसफर प्राइसिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल सुनो। देखो क्या होता है कि ना इंडिया है, ठीक है, कैसे गेम खेलते हैं लोग ये बता रही हूँ आपको। देखो ये इंडिया ओरेकल है, ठीक है, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है, ठीक है। इंडिया ओरेकल जो है ना, ये सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी ना सब जगह पे, बहुत सारी जगह पे, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, ठीक है। तो ये इंडिया ओरेकल जो है ना, वो देखी कि हमारे यहाँ पे टैक्स लगता है 30% का, ठीक है। यूएसए ओरेकल जो थी वो बोली हमारे यहाँ तो 15 का लगता है करके, तो ये खुश हो रही थी, ये हमारे यहाँ 15 का लगता है, हमारे यहाँ 15 का लगता है, हमारे यहाँ 15 का लगता है। तो इंडिया ओरेकल दुखी हो रही थी, यार शिट हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा टैक्स है, बहुत सैड थे लोग। तो इसको इसकी खुशी, मतलब इसको इसका दुख देखा नहीं जा रहा था, आखिर ये लोग एसोसिएट इंटरप्राइज जो है ऐसे कैसे दुख देख पाएंगे, तो लोग बहुत देख नहीं पा रही थी। तो यूएसए ने बोला ऐसा करना बहन, तू क्या कर, तू ऐसा कर कि ना सब कम, जो देखो एक हेड ऑफिस होती है और बाकी सब उसकी सब्सिडरीज होती है, ठीक है, मतलब एक होल्डिंग है बाकी सब उसकी सब्सिडरी है। तो जो ओरेकल है ना उसका हेड ऑफिस जो है ना वो है अपना, मान लीजिए कि यूएसए में है, ठीक है, हेड ऑफिस यूएसए में है। अब इंडिया उसकी सब्सिडरी है,
मान लो, ब्रांच ऑफिस है मान लो, कुछ भी मान लो, एसोसिएट इंटरप्राइज है, ये फाइनल है बस, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और यूएई में है, ऐसे में कुछ भी एग्जांपल ले रही हूँ मानने के लिए, बस अभी के लिए मान लो, ठीक है। तो ऐसा करके सब जगह थी। तो क्या हुआ कि ये लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी जो है ना, रॉयल्टी लेती है, मतलब गाइस अगर आप मेरे नोट्स लोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, आई विल चार्ज फॉर इट, क्योंकि मेरा है वो, मेरी प्रॉपर्टी है। वैसे ही जब अपन सॉफ्टवेयर यूज़ करने का किसी को राइट देते हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लोग चार्ज करते हैं, तो जो उसके ऊपर चार्ज लगता है ना उसको अपन कहते हैं रॉयल्टी, ठीक है। सॉफ्टवेयर यूज करने का जो राइट होता है ना, उसको यूज करने को अपन किसी को दे रहे हैं तो वो रॉयल्टी होता है। अब आप रॉयल्टी दे रहे हो किसी को यूज करने के लिए, तो रॉयल्टी तो एक्सपेंस हुआ ना। आप अगर मेरे को पैसे दे रहे हो मेरे नोट्स के लिए तो वो आपके लिए एक्सपेंस है ना, फॉर यू इट्स एक्सपेंस। वैसे ही इंडिया ओरेकल जो है वो रॉयल्टी पे करती है यूएसए ओरेकल को, क्यों? क्योंकि वो राइट ले लिया है उसको यूज करने का, उनके सॉफ्टवेयर को सेल करने का राइट लिया है, उसके पास राइट है कि वो सेल कर सकती है इंडिया में कहीं पर भी ओरेकल के सॉफ्टवेयर को। अब बनाया मेहनत से ओरेकल के सॉफ्टवेयर को तो यूएसए ने ना, यूएसए की हेड ऑफिस ने बनाया, तो वो लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं अब, ठीक है। अब रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं और रॉयल्टी एक्सपेंस होता है, तो इन लोग दिमाग क्या चला, सुनो अच्छे से, देखो क्या हुआ। यहाँ पर आता है प्रॉफिट, मान लीजिए 100 रुपये आता है, तो 100 रुपये में से इनको 30 रुपये टैक्स देना पड़ जाता है, ठीक है, टैक्स देना पड़ गया 30 रुपये। अब इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि 30 रुपये चले जाता है, तो अगर 100 की जगह हमारा प्रॉफिट ही कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ही तो अपना, मतलब जो भी अपनी इनकम रहेगी एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर टैक्स लगना है ना। अगर इनकम ही कम रहेगी तो टैक्स भी कम आएगा, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब इनकम कम कैसे होगी, इनकम कम कैसे होगी, तो इनकम कम ऐसे होगी जब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। समझ लीजिए कि आज मैं 10,000 रुपये पर मंथ कमाती हूँ, ठीक है, अब मेरे को अपनी इनकम को दिखाना है कि नहीं मैं तो 8,000 कमाती हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती बोल दूंगी कि मैं 2,000 का स्पा करवा के आई हूँ, तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए 2,000 से, अब मेरा 8,000 हो गया इनकम, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है वो 8,000 होगा, ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम 8,000 होगा, अब टैक्स 8,000 पे लगेगा, तो मैं क्या कि ज़बरदस्ती के एक्सपेंस डाल दी कि 2,000 का मैंने स्पा करवाया है। वैसे ही इंडिया ओरेकल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम रॉयल्टी जो है वो पहले वो लोग समझ लो 10 रुपये देते थे, अब वो बोल दिया हम तो 8 रुपये, सॉरी सॉरी, पहले वो 10 रुपये देते थे, अब वो बोल दिया हम तो 20 रुपये दे रहे हैं। जैसे ही वो बोले कि हम 20 रुपये दे रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट था 100 रुपये का वो कम हो के 80 हो गया। पहले वो टैक्स देते थे 90 रुपये में, अब वो टैक्स दे रहे 80 रुपये में, समझे, ये ट्रांसफर प्राइसिंग हो रही है। मतलब रॉयल्टी, अब देखो ये कंपनी अलग तो है नहीं, अब आप ये आपकी यूएसए का ओरेकल और इंडिया का ओरेकल है, ये लोग तो अलग है नहीं ना, आखिर तो सिस्टर कंसर्न, ब्रदर कंसर्न ही है, एक दूसरे को जानते ही है। अब जेब इस पैसे में रखो या फिर इस जेब में पैसा रखो या इस जेब में पैसा रखो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने खर्चे को ज़्यादा ज़्यादा दिखा दिया। अब जैसे ही खर्चा ज़्यादा दिखाया, इनका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, नहीं हाँ इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका एक्सपेंस जो है, इनका जो इनकी इनकम बढ़ जा रही है ना, देखो इनका एक्सपेंस बढ़ा तो इनकी इनकम कम हो गई, इंडिया की इनकम कम हो गई। यहाँ तक समझ ही गए होगा कि इंडिया की इनकम कैसे कम हुई, क्योंकि उन्होंने रॉयल्टी एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा दिया। अब जो रॉयल्टी एक्सपेंस ज़्यादा था वो इनकी इनकम बढ़ा दिया। अब बढ़ा भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो 15% का टैक्स लग रहा है ना, आखिर बच रहा है 15% का टैक्स सीधा सीधा। दोनों कंट्री के बीच में डिफरेंस ऑफ टैक्स 15% का है। अगर मैं ये वाली जेब से निकाल के पैसा ये वाली जेब में डाल देती हूँ तो ये वाली जेब में टैक्स 15% लगता है, ये वाली जेब में पैसे 30% लगता है, तो मैं क्यों ऐसा करूं कि सारे पैसे इसमें रखूं, मैं सारे पैसे उठा के इसमें रख दूंगी। अब टैक्स देना है ना मेरे को, मैं दे दूंगी, मैं मना नहीं कर रही कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, बट मैं कम रेट पे टैक्स दूंगी। समझे गाइस कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में खेलते लोग। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दिया कि ऐसे कैसे, मतलब ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा। फिर ओरेकल इंडिया को बुलाए और पूछे कि तुम बताओ अभी तक, और सब पाकिस्तान ओरेकल, अफगानिस्तान ओरेकल और अदर कंट्री ओरेकल सबको बुलाया, बोले कि देखो आप सबका एक्सपेंसेस 10 रुपये है रॉयल्टी का, इंडिया का 20 रुपये क्यों है। तो इंडिया बोली नहीं हमारे यहाँ ऐसा है एटमोसफेयर वैसा है, ये वो फालतू के नाटक की बहुत सारे। अब मेरे को मेरे को अगर कोई बुला के बोल रहा है कि आप 10,000 कमाती थी मोहतरमा और अब आप 2,000 के एक्सपेंसेस क्यों कर रहे हो, आप हमेशा तो नहीं करते थे, तो मैं बोलूँगी रायपुर में डस्ट बहुत है, मेरे को स्पा की ज़रूरत थी, मेरे को रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी, दैट्स व्हाई मैं करवाई। तो ये सब बहानेबाजी है,
आप हर मंथ तो नहीं कराते ना, रायपुर में तो मैं हमेशा रहती हूँ, बट इस मंथ क्यों करवा रही हूँ मैं? पक्का मेरा कुछ तो मेरा पर्सनल रीज़न है इसके पीछे, मेरा टैक्स चोरी करने का इंटेंशन है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। वैसे ही जो इंडिया और एकल है वो टैक्स चोरी करना चाहती है इसलिए वो ज़बरदस्ती के बहाने बना के एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रही है अपने। ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है जो उनको समझ में नहीं आएगा तुम बेवकूफ़ ही कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो उस केस में गवर्नमेंट बोली कि देखो अगर पूरी 5 ब्रांच ऑफिस में 10 रुपये के एक्सपेंसेस होते हैं और इंडिया इनकम, इंडिया और एकल तुम्हारी इनकम सिर्फ और सिर्फ 20 की हो रही है, सॉरी तुम्हारी रॉयल्टी 20 की हो रही है और बाकी सबकी 10 की हो रही है, तो इस केस में हम मान लेंगे कि तुम्हारी 10 की रॉयल्टी है। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा 20 माने, यहाँ पर तुम यहाँ पे 20 दिखाओ, आराम से 20 दिखाओ, कोई मना नहीं कर रहा तुमको 20 दिखाने से, बट तुमको यहाँ पर डिडक्शन जो मिलेगा ना रॉयल्टी का डिडक्शन वो 10 रुपये का ही बस मिलेगा। तुम यहाँ पे 2 रुपये का भेजो, 1,000 रुपये का भेजो, 2 लाख का भेजो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का देंगे जो एकदम आर्म लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग है। इसी के साथ गाइज आपको एक नए वर्ड से मुलाकात हुई, आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिसके बीच में दो एंटरप्राइज डील करती है प्राइस का, मतलब गाइज वो एक नॉर्मल प्राइस होता है जिसमें पूरी दुनिया करती है डीलिंग। आप किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो वो आर्म लेंथ प्राइस पे होता है, बिकॉज आपका उससे पर्सनली कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट अगर आप किसी रिलेटिव के साथ या किसी भी एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो चांसेस है कि वहाँ पे आपका कोई पर्सनल फ़ायदा होगा, इसलिए प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं नॉर्मल प्राइस से। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आर्म लेंथ प्राइस अपन आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्या स्टेप लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये समझ में आया? आपको सेल करना जितने में करो, हम आपको नहीं मना करेंगे, हम बस डिडक्शन जो रहेगा वो 10 रुपये का ही देंगे जो आर्म लेंथ प्राइस में है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर एक आपको मैं फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ जो मैंने अभी कहा आपको सेम चीज़। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ होता है, ठीक है, तो वो आर्म लेंथ प्राइस पे होता है। ठीक है, आर्म लेंथ प्राइस का मतलब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी के साथ हम लोग जो नॉन इन्फ्लुएंशियल प्राइस में डीलिंग करते हैं उसी को आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। आप सीधा से मान लो आप किसी स्ट्रेंजर के साथ जो भी डीलिंग करते हो उसको अपन कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? अब ऐसा अक्सर माना जाता है कि जब भी हम लोग डील करते हैं ना ट्रांसफर प्राइसिंग में, उसमें एक नॉन रेसिडेंट इन्वॉल्व ज़रूर होता है। मतलब दो रेसिडेंट के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एनआर नहीं होगा तो फिर इंटरनेशनल कैसे होगा, तो नेशनल हो जाएगा ना, इसलिए एनआर का होना ज़रूरी है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, एनआर मस्ट होना चाहिए। ठीक है गाइज, आर्म लेंथ प्राइस अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज़।